दुनिया में मीडिया की आज़ादी को कम करने वालों की सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल किया गया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, किम जोंग उन, शी जिनपिंग समेत 37 राजनेताओं के नाम शामिल हैं। दरअसल ये सूची रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की ओर से बनाई गई है। मोदी कैबिनेट में आज कुल 43 मंत्री शपथ लेंगे। शपथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए बनने वाले मंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम आवास पर हुई इस मीटिंग में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनोवाल सहित सभी संभावित मंत्री शामिल हुए। महंगाई के साथ सोने चांदी फिर से महंगे होने लगे हैं। एमसीएक्स पर आज सोना 176 रुपए की बढ़त के साथ 47,860 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज सोना 47,935 पर पहुंच गया है। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री पी रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी कुमार मंगलम की मंगलवार रात दिल्ली के वसंत विहार स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई। मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर से बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने खूंखार आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर मेहराजुद्दीन उर्फ उबैद को ढेर कर दिया। हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर में जवानों को यह बड़ी कामयाबी मिली। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मेहराजुद्दीन घाटी में कई बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने में शामिल था। देश के कई राज्यों में मानसून पहुंच गया है। वहीं कुछ राज्यों में बारिश का इंतजार किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में गर्मी से जल्द राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में मानसून 10 जुलाई को दस्तक दे सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार के नेपाल से सटे हिस्से, बंगाल, झारखंड, ओडिशा में तेज बारिश होने की संभावना है।